तो जैसा आपके पास मैट्रिक्स डिटरमिनेंट दिया गया है, आपको माइनर और कोफैक्टर निकालना है। तो हम लोग क्या लिख लेंगे, लेट एम आई जे एंड कैपिटल ए आई जे बी द माइनर एंड कोफैक्टर ऑफ ए आई जे। ठीक है, इसका मतलब अगर हमें M11 मतलब A11 का हमें माइनर निकालना है तो कैसे निकालते हैं माइनर, जो भी आपके पास ओरिजिनल डिटरमिनेंट दी गई है उसका पहला रो और पहला कॉलम एलिमिनेट कर दीजिए, जो भी सिस्टम बस जो भी आप डिटरमिनेंट बचती है वो आपका क्या होगा, माइनर हो जाएगी। तो पहला रो और पहला कॉलम और पहला रो एलिमिनेट हो गया तो D बचा है ना, तो माइनर आ गया D। इसी तरह से M12 पहला रो दूसरा कॉलम आप क्या कर दीजिए, एलिमिनेट कर दीजिए, आपका पहला रो गायब दूसरा कॉलम गायब बी बचा, तो दैट इज इक्वल्स टू बी है ना। ये एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं है, दैट इज़ द डिटरमिनेंट, इससे कंफ्यूज मत होइएगा। M21 ठीक है, M21 क्या हो जाएगा, दूसरा रो और पहला कॉलम गायब कर दीजिए सी बचेगा, दैट इज सी। M22 क्या हो जाएगा आपका, दूसरा रो दूसरा कॉलम गायब ए बचेगा, वन बाई वन की डिटरमिनेंट है ये सारी है ना, तो ये हो गया आपका ए। नाउ अब आपका कोफैक्टर कैसे रिलेटेड होता है माइनर से, ये रिलेशन होता है आपका ए आई जे रिलेटेड होता है, माइनस वन टू द पावर आई प्लस जे टाइम्स एम आई जे। ठीक है, देयर फोर जो ए वन वन हो जाएगा माइनस वन की पावर वन प्लस वन एम वन वन, और माइनस वन की पावर इवन प्लस वन, और एम वन वन आपका क्या है डी है, तो ये आ गया डी। इसी तरह से ए वन टू माइनस वन की पावर वन प्लस टू ऑड मतलब माइनस वन आएगा, अब एम वन टू तो माइनस टाइम्स एम वन टू मतलब माइनस बी हो जाएगा। इसी तरह से एम टू वन फिर माइनस वन की पावर टू प्लस वन थ्री ऑड है तो वो माइनस टाइम्स डिफर करेगा एम टू वन से, तो एम टू वन सी है तो ये हो जाएगा माइनस सी। इसी तरह से एम टू टू मतलब माइनस वन की पावर टू प्लस टू इवन है प्लस वन आएगा, और एम टू टू मतलब इसमें दोनों बराबर होंगे। ठीक है, अच्छा एम नहीं यहाँ ए होगा, ए टू वन और ए टू टू। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका, दैट इज ए, तो दैट इज योर फाइनल आंसर।